अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। दरअसल सुपौल के छपकाही गांव में पक्षियों के सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गांव में पशुपालन विभाग के कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग टीम ने गुरुवार को गांव से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गे मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है, जबकि 9 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र की जांच भी शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक के आदेश के बाद गुरुवार को डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरकेश के संयुक्त आदेश के बाद रिपीड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। मुर्गे मुर्गियों की किलिंग के लिए पशुपालन विभाग ने 4 टीमों का गठन किया है। दरअसल सुपौल के सदर थाना क्षेत्र स्थित छपकाही गाँव में करीब 2 हफ्ते पहले दर्जनों पक्षियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी थी। मरने वाले पक्षियों में कौवे, कोयल, मुर्गी और बत्तख शामिल हैं। अचानक करीब 4 दर्जन से ज्यादा पक्षियों की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम गाँव पहुंची थी। वन विभाग की टीम ने प्रखंड पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों को घटना की सूचना दी। पशुपालन विभाग की टीम ने पक्षियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा था। स्थानीय लोगों ने पहली नजर में ही बर्ड फ्लू की आशंका जताई थी। वहीं सैंपल की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और एक बार फिर से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। कि आज से कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर छपकाई वार्ड नंबर 10 में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया के माध्यम से खबर मिली थी कि कुछ पक्षियों में अप्राकृतिक अप्राकृतिक मृत्यु हो रही है। इसमें जो है सो तुरंत पशुपालन विभाग जो है सो अपने कार्यशैली को बढ़ाते हुए यहाँ पर पहुँचे और स्थानीय लोगों से मिल करके उसकी उचित समुचित चिकित्सा व्यवस्था की गई एवं पटना के द्वारा पटना सचिवालय ये LRS पटना जो पशु रोग एवं उत्पादन संस्थान है वहाँ से भी एक टीम को बुलाई गई और आए ये लोग। स्थानीय सैंपल कलेक्शन किया गया, बर्ड के लिए कुछ दवा दी गई एवं तथा कहीं एहतियात बरतने के लिए सबों को सूचित किया गया तथा जगह जगह पर चूना एवं चूना का छिड़काव तथा सैनिटाइजेशन किया गया तथा इस बर्ड से जो पीड़ित बर्ड था उससे सैंपल लेकर के आगे जांच के लिए भेजा गया। इसमें पाया गया कि कुछ में बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसके कारण भारत सरकार के मानक के तहत 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी पशु पक्षी हैं उसको जो है सो कलिंग करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से ज्वाइंट आदेश निकाला गया। उसके तहत आज छपकाही 11 एवं 8, 9, 10 जितना भी यह है इसमें जीवित पक्षियों को पकड़ के कलिंग किया जा रहा है एवं उसके भारत सरकार के मानक के तहत तथा इनको हिदायत दी जा रही है भविष्य में इस तरह से कैसे इस रोग का न होने पावे इसके लिए बचाव के क्रम में चूना एवं सैनिटाइजेशन के द्वारा जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग के माध्यम से नगर प्रशासक के द्वारा JCB एवं वो फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराया गया है। तत्पश्चात जो निःसंक्रामक दवाएं हैं उसके द्वारा पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। भविष्य में सभी आदमी को बताया गया कि इससे डरने की बात नहीं है। अब चूंकि ऐसे भी जो है सो तापक्रम में धीरे धीरे उठाव हो रहा है, जिसके कारण ऐसे भी जो है सो अप्राकृतिक रोग नहीं होगा और इससे जो है सो मृत्यु नहीं होगी, इसलिए घबराने की बात नहीं है, एहतियात बरती जा रही है। आज जितना भी मुर्गा मुर्गी बकत ये सब जो है उसको पकड़ करके ले जा करके खद्धा में गाड़ दिया गया और पशुपालन विभाग से यही सूचना मिला है कि जो इसका क्षति होगा वो पूरा किया जाएगा। क्यों करा गया गड्ढा में? क्या बीमारी हुआ था पहले? क्या हो रहा था यहाँ पशु पक्षी में? पशु पक्षी कौवा भी दस्त मर गया, बकत मुर्गा मुर्गी बहुतों मर गया है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे,
दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।